दोस्तों, क्या आपने कभी 3 सर वाला मेंढक देखा है? अच्छा, डायनासोर के जमाने का टाइगर, ये भी नहीं देखा। अच्छा चलो, 8 पैर वाला गोट तो देखा ही होगा, ये भी नहीं देखा। तो टेंशन मत लो, आज के इस वीडियो में आप ये सब देख लेंगे। तो ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बी विद द बेस्ट दुबे का ज्ञान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। कैट विथ विंग्स। दोस्तों, आप सभी ने तो बिल्लियों को देखा ही होगा, पर आज मैं आपको ऐसी बिल्ली से मिलाने जा रहा हूँ जिससे शायद ही किसी ने देखा होगा। एक बार काफी गर्मी पड़ी थी चाइना में, जिसकी वजह से बहुत से कैट के पीठ पे अलग बॉडी पार्ट्स ग्रो कर रहे थे और वो धीरे धीरे बड़े भी हो रहे थे। लेकिन एक बात हैरान करने वाली, इन पंख में हड्डियां भी थी। अब सब सोच में पड़ गए थे कि ऐसी कौन सी चीज है जो इन कैट के पीठ पे उग रही है। तभी एक कैट ओनर ने कहा कि ये उसकी कैट टॉम के पीठ पे ये स्ट्रेस की वजह से आ रहा है, पर बहुत सी कैट के साथ ऐसा हो रहा था तो इसलिए हम इसे स्ट्रेस नहीं कह सकते। जेनेटिक एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये कैट का सही से ख्याल रखने की वजह से हो रहा है। हालांकि इनसे किसी कैट की हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ रहा था और साथ ही इनकी मदद से कैट हवे में भी नहीं उड़ पा रही थी। अगर कैट हवे में उड़ने लगती तब तो बर्ड्स का जीना मुश्किल हो जाता। एलियन कैट। दोस्तों, आपको ये नाम सुनकर काफी अजीब लगता होगा, एलियन कैट। क्या सच्ची में कोई कैट जादू की तरह स्पेसशिप से आई और जमीन पर रह के बोली धूप धूप और चली गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अक्टूबर 4, 2012 में एक ऐसे किटन का जन्म हुआ जिसके पूरी बॉडी पे सिर्फ एक बड़ी सी आग थी और इस आग की वजह से ये कैट किसी एलियन से कम नहीं लग रही थी। हालांकि डॉक्टर ने इसे बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर कुछ ही घंटों में इसकी मौत हो गई। इसे देखकर डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि इस किटन पे सिर्फ एक आग कैसे थी, और इस किटन की वीडियो को इंटरनेट पर ट्रिब्यूट के तौर पर डाली गई ताकि इस किटन के बारे में पूरी दुनिया को पता चले। और देखते ही देखते वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गई। कैनी। दोस्तों, आप सभी ने टाइगर को तो जरूर देखा होगा टीवी में या फिर किसी वीडियो में, पर मैं आज आपको ऐसे टाइगर से मिलाने जा रहा हूँ जो कि किसी डायनासोर के जमाने का दिखता है और काफी खतरनाक भी। तो क्या आपने कभी ऐसे टाइगर को देखा है? नहीं देखा होगा। तो ये है कैनी। साल 2006 में इसे रेस्क्यू किया गया था, साथ ही इसके साथ इसका भाई भी मिला था जिसका नाम रखा गया था मिली। पर मिली तो एकदम नॉर्मल था, पर कैनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम थी। उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी और उसका चेहरा भी नॉर्मल टाइगर से काफी अलग था और खतरनाक था। इसकी बॉडी वाइट थी और इसके चेहरे की वजह से ये काफी डेंजरस दिखता था। इसे डाउन सिंड्रोम था जिसके चलते 10 साल की उम्र में इसकी मौत हो गई साल 2008 में। पर अब बात ये आती है कि इसकी ये हालत हुई कैसे, तो इसका जवाब है पैसों के भूखे एनिमल ट्रैफिकर्स व्हाइट टाइगर की ब्रीडिंग करते हैं, क्योंकि व्हाइट टाइगर के बच्चे ब्लैक में मार्केट में 26 लाख तक बिक जाते हैं और इसी लालच में इन्होंने गलत ब्रीडिंग कर दी और कैनी का ये हाल हो गया। थ्री हेडेड फ्रॉग। दोस्तों, तैयार हो जाओ क्योंकि आज मैं आपको एक दो नहीं बल्कि 3 सर वाला मेंढक दिखाने वाला हूँ। ये एकदम हैरी पॉटर में दिखाए गए थ्री हेडेड फ्रॉग जैसा दिखता है। साल 2004 में एक रिसॉर्ट में 2 सिर और 6 पैरों वाला मेंढक देखा गया। वो देखने में काफी हेल्दी और काफी बड़ा था। इसे देखकर कुछ बच्चों ने इसे फ्रॉगी नाम दिया और इसे पकड़कर एक टैंक में रख दिया। हैरानी की बात तो ये कि लोग उसे एक दिन भी पकड़ नहीं पाए, वो वहां से भाग गया। पर एक ही दिन में उसे देखने काफी टूरिस्ट पहुंच गए। सोचो जरा, अगर वो रिसॉर्ट में कुछ दिन रुक जाता तो रिसॉर्ट वाले की तो निकल पड़ती। जेनेटिक न्यूट्रिशन के मुताबिक या तो किसी बर्थ इफेक्ट की वजह से या फिर किसी केमिकल पॉल्यूशन की वजह से उसके अंदर इतने बदलाव देखे गए। अमेजिंग। 8-legged goats। दोस्तों, गोट्स तो काफी नॉर्मल होते हैं और इनके 4 पैर ही होते हैं, पर साल 2014 में एक ऐसा हादसा देखने को मिला जिसे देखकर सब हैरान हो गए। को एशिया के एक फार्म हाउस में एक ऐसे गोट ने जन्म लिया जिसके 4 नहीं बल्कि 8 पैर थे। एक तरह से देखा जाए तो इसे गोट के ऑक्टोपस भी कह सकते हैं। इसके अंदर और भी बहुत सारी खूबियां थी जो इसे गोट से अलग बनाती थी। देखते ही देखते इसके चर्चे इंटरनेट के थ्रू वायरल हो गए और ये फार्म हाउस फेमस हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखते रहिए बी विद द बेस्ट दुबे का ज्ञान।